थाना जियाबाद में लगाई गई शिकायत जन सुनवाई शिविर, किया गया दर्जनों से अधिक शिकायतों का मौके पर निराकरण। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे व SDOP देवसर LD सिंह के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय द्वारा समाज में अपराध की दर को कमी लाने एवं लोकसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए एवं अपराधियों पर शिकंजा कसकर समाज को भयमुक्त कर जनता की शिकायतों का शीघ्र निराकरण कर शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करने हेतु आज दिनांक 23 अप्रैल 2019 दिन मंगलवार को थाना परिसर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 लोग अपने अपने समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए और शिकायत प्रस्तुत किए गए, जिनकी शिकायतें व समस्याओं को सुना गया एवं निराकरण किया गया, जिससे संतुष्ट रहे वही जनसुनवाई शिविर में स्थानीय शिकायत वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायतें CM हेल्पलाइन जनसुनवाई शिकायत का निराकरण किया गया। आज थाना जवान में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया था। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय आदेश था कि शिकायतों का तत्परता से निराकरण किया जाए, तो उसके पालन में किया गया, जिसमें करीब 50-55 लोग यहाँ पर पुरुष और महिलाएँ शिकायत के संबंध में बुलाए गए थे, कुछ तो शिक्षापूर्वक आए थे। तो आपसी राजीनामा के आधार पर कई प्रकरण निराकृत हुए हैं। एक पदपत्ती का विवाद था जो पेंडिंग है, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके और उसमें कोई कार्रवाई आगे करेंगे। 6 स्थानीय शिकायतें थी जो थाना स्तर प्राप्त उनका निराकरण किया गया, 5 वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया गया और 2 CM हेल्पलाइन की शिकायतें थी जो संतुष्टिपूर्वक दोनों पक्षों को बैठा के बात करने पर निराकृत हुई हैं। एक मामला जमीन का विवाद था हरा चंदेल का, जिसमें रास्ते को लेकर विवाद का काफी दिन चल रहा था। दोनों पक्षों को कई बार समझाया गया था तो शांति बनाए रखें और रास्ते के लिए भी समझौता कराया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो शांति भंग करेंगे, झगड़ा करेंगे ऐसा नहीं हुआ, अतः उन पर प्रतिबंधक कार्रवाई भी अलग से की गई है। बाकी शिकायतों का निराकरण काफ़ी शांतिपूर्ण 6 मामलों में सम्पन्न हुआ है।